ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ। ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 3 ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 3:15 ਵਜੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੈ। It is being investigated by the Jammu and Kashmir police and soon we'll know how it all happened. तो कुछ पता चल पाया कौन से संगठन ने किया है, कौन सा मिलिटेंट? That is again, I mean, it'll take some time, but we'll soon come to know. अच्छा, अब हाई अलर्ट या कुछ इस तरह का घोषित कर दिया गया है? The yatra is going on. We have not stopped the yatra and we'll ensure that it goes on peacefully. इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग च अमरनाथ यात्रियों के अतवादी हमले की सख्त निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा दवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की इस घटना नाल सारे कश्मीरियों के सिर शर्म नाल झुक गए हैं। लोगों के सर शर्म से झुक गए। ये लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं, तमाम मुश्किलात के बावजूद ये लोग आते हैं और आज 7 लोग इसमें जाँ बहक हो गए। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा सानिया कोई हो नहीं सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं इसको कंडम करने के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के लोग जो भी इसमें मुलव्वस होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। जो भी इसमें मुलव्वस है मेरे ख्याल में वो मुसलमानों के नाम पे, कश्मीर के नाम पे उन्होंने आज बहुत बड़ा दब्बा लगा दिया और उनको जल्द से जल्द सजा दिलाना हमारा काम है। अमरनाथ के यात्रियों से हुए इस हमले की चुफेरियों निखेधी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लैके पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना को मंदभागा करार दिता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे। अमरनाथ यात्रियों उपर अतवादियों वालों किए गए हमले के रोस च अज पठानकोट च शिवसेना हिंदुस्तान के वर्करा ने पठानकोट जम्मू हाईवे से जाम करके रोस प्रदर्शन किया। इस मौके शिवसैनिकों ने मोदी सरकार उपर भी अपना गुस्सा झाड़िया है और कहा है कि वह पाकिस्तानी अतवादियों को करारा जवाब क्यों नहीं देते हैं। बड़ी ही दुख की गल है, हर साल जब भी भोले बाबा की यात्रा अमरनाथ की चलती है और उतों की जड़ी सरकार है PDP की, वह हर साल अमरनाथ यात्रा उत्ते आतंकवादियों द्वारा हमले करवाती है और इस बार तो उन्होंने नाल BJP सरकार है। मैं मोदी साहब न पूछना चाहना, BJP सरकार पूछना चाहना भी तुसी अपने आप को स्पष्ट करो भी तुसी क्या हिंदुओं के रखवाले हो कि जाना कश्मीरियों के? अगर तुसी हिंदुओं के रखवाले हो तो भाई क्यों नहीं जो अपने बै अपनी जी यात्रा साड़ी अमरनाथ यात्रा स्पष्ट क्यों नहीं करते? माधोपुर जी JNK तो रोड आंदा उस जगह से बैठ के असी जाम लाया और प्रदर्शन किया और अही कुछ ही मिनटों बाद
डीजीपी साहब या कोई उच्च अधिकारी लखनपुर बैरियर से इंतजार कर रहे साडे नाल गलबात करना चाहते हैं। साडे कुछ बंदे जिहड़े आ उत्थे जाणगे और उन्हां नाल गलबात करनगे। पठानकोट तो कंवर रंधावा की रिपोर्ट, पंजाब टुडे। SYL के मुद्दे ते अज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत ने दोवां सूबे विचकार सलाह कराने लई केंद्र नूं 2 महीने तक का समा दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा ते पंजाब सरकार यकीनी बनाउण कि केस चलन तक दोवें सूबे कोई धरना प्रदर्शन नहीं करनगे। इस मामले में पंजाब ने थोड़ा समा मंगया है। आने वाली 7 सितंबर को मामले की हुण अगली सुनवाई होगी। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नूं नहर बनाउण दी सलाह दी है। अदालत ने कहा है कि जेकर हरियाणा नहर बना सकता है तो पंजाब क्यों नहीं। बाकी रही गल पानी की, तो पानी बाद विच भी देखा जाएगा, पहला नहर ही बनाओ। इस दे नाल ही केंद्र सरकार वालों SG रणजीत कुमार ने अदालत विच कहा है कि दोवें सूबे विच आपसी सलाह कराने की कोशिश करनगे। हुण इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 मैंबरी बेंच कर रही है। SYL मामले की सुनवाई कर रहे बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस PC घोष मई में सेवा मुक्त हुए सन। अदालत ने कहा कि अदालत के हुक्मों नूं इनबुन लागू किया जाए। तुहानूं दस दिए कि बीते दिन SYL के मसले से हरियाणा की सियासी पार्टी NLO ने वड्डा चक्का जाम किया। अदालत ने कहा कि जदों मामले अदालत में विचार अधीन होण तां केंद्र सरकार विचोलगी कर रही है तो अंदोलन करने की की जरूरत है। जिक्रयोग है कि बादल सरकार समय भी पंजाब ने सतलुज यमुना लिंक नहर का फस्ता वढ़न लई पंजाब सरकार वालों विधानसभा में बिल पेश किया गया सी। इस बिल राही पंजाब सरकार ने सतलुज यमुना लिंक नहर का नोटिफिकेशन रद्द कर दिता है, पर अदालत च उस ते भी रोक लग गई सी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने हुशियारपुर च पत्रकारों नाल गलबात करते कहा है कि जेकर बैबल कलां की घटना लई पंजाब के सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जिम्मेवार हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने गिरफ्तार या हिरासत में क्यों नहीं लेंदे हैं। सिमरनजीत सिंह मान ने दोष लगाया है कि यह दोवें पार्टियां आपस में रलिया हुई हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पता है कि जेकर उन्हें कोई भी कार्रवाई बादल के खिलाफ की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों बादल खिलाफ किए गए केस को दबाने की कोशिश की जाएगी। हुण जे चीफ मिनिस्टर मौजूदा कह रहे हैं कि बादल साहब ने हुक्म दे के वो दो बच्चे मरवाए है तो फिर केस का कतल का दर्ज होया होया तो फिर बादल साहब को अरेस्ट कर लो एकदम। फिर मेरा मतलब है कि गल ये है कि सेंटर कहता है कि बादल ते सुखबीर ते इन्हां दे नाल कुछ करना नहीं, जे तुसी करोगे ते कैप्टन साहब जो उत्ते भी केस रजिस्टर होए हुए है वो किहड़ा हैगा महकमा डिपार्टमेंट इनफोर्समेंट ने किए हुए है कि असी तुहानू होर तंग करांगे। हुशियारपुर तो योगेश बहल की रिपोर्ट, पंजाब टुडे। नवांशहर च एक परिवार उपर उस वेले दुखां दा पहाड़ टुट गया जदों उन्हां दे जवान पुत्र की मलेशिया विच शक्की हालातों विच मौत होने की खबर आई। नवांशहर का परमजीत अपने साथियों के नाल रोजी रोटी कमाने लई मलेशिया गया सी। उत्थे पहुँचते ही उसने अपने परिवार को फोन किया कि वह ठीक ठाक पहुँच गया है और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर आ गई। परमजीत का विदेश जाने का सुपना तो पूरा होया पर वह अपने देश के नाल नाल यह दुनिया भी सदा लई छड्ड गया है। परमजीत की रहस्यमई मौत ते पर्दा कदों उठेगा यह एक वक्री गल है, पर उसके मापिया नू शायद कदे भी इस गल का सबर ना आवे कि उन्हों का पुत्र हुण इस दुनिया विच नहीं रहा है।
मेरा नाम हरवंत सिंह है। मेरा काका परमजीत इंडोनेशिया गया सीगा 7 तरीक नूं पहुँच गया सीगा। 8 तरीक नूं सानूं फोन आ गया कि मैं इंडोनेशिया पहुँच गया। उही 4 बजे फोन आया सीगा कि मैं ठीक ठाक हाँ, इन्हां नूं पैसे दे दो। असीं पैसे शाम नूं देते गए, बाद सानूं नहीं पता क्या होया क्या नहीं होया। बस सवेरे 7 बजे सानूं पता लग्गिया है, फोन आया है कि माँ का कि तुहाडे बच्चे की मौत हो गई हैगी आ। तो प्रशासन के बंदे सानू कह के गए एप्लीकेशन दो, असी जो भी बनती कार्रवाई करते हैं प्रशासन को मंग करते हैं कि साड़ी मदद जितनी भी हो सके करी। मलेशिया एक नौजवान जी की अचनचेत मौत हो गई है, वो संबंध में अज अं उन्होंने परिवार के नाल प्रशासन वालों संवेदना कर आए हैं। परमजीत सिंह पता लग्या इत्थे आ गए कि 10-12 दिन पहला ही मलेशिया विच काम करने वास्ते गया सी। 9 तरीक नूं उन्हां दे घर संडे वाले दिन फोन आया भी उहदी अचानक मौत हो गई है। असीं प्रशासन वल्लों आए हाँ भी परिवार नूं जे कोई बॉडी लिआउण दे विच कोई किसे तरह की अड़चन आ रही होवे तो मानयोग DC साहब वल्लों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटरनल अफेयर नूं लिखवा दिता जाएगा, बाकी जो बनती इन्हां दी मदद की जाएगी। थैंक यू। नवांशहर तो सुखजिंदर सिंह सुखा की रिपोर्ट, पंजाब टुडे। पाकिस्तान की लांडी जेल च बंद 77 भारतीय मछेरे के एक आम नागरिक को पाकिस्तान वालों रिहा करने मगरों आज भारत च भेज दिया गया है। रिहा किए गए 78 भारतीय कैदी अटारी सरहद राही भारत पुजे। इन्हों भारतीय कैदियों पाकिस्तान अधिकारियों वालों सीमा सुरक्षा बल की निगरानी हेठ भारतीय अधिकारियों के हवाले किया गया है। वतन परतन मगरों इन्हों के चेहरे पर वक्री ही खुशी वेखन मिली है। जिक्र योग है कि भारत पाकिस्तान विचाले सरहदों से चल रही तलखी के बावजूद संबंधों की मजबूती लिए दोहां मुल्कों के जेलों में बंद कैदियों रिहा करने का सिलसिला लगातार जारी रखा जा रहा है। उधर पकड़ा गया तो उसके 7.5 महीने हो चुके। कैसे आप उधर रखते थे? सुबह 1 रोटी देते थे, दोपहर को 2 रोटी, शाम को 2 रोटी, आखा दिन मेहनत करा रहे थे। कैसे पहुंचे उधर? उधर हम दरिया में पानी में पता नहीं चलता कि उन लोगों की हद आ गई है। बॉर्डर क्रॉस हो गई, नेवी वाला ने आके पकड़ लिया हमको। आज आपके कितने आदमी छोड़े हैं? आज 77 बंदे छोड़े हैं आदमी, और एक मेरे साथ सिविलियन छोड़ा है। 78 बंदे निकाले हैं, बाकी उधर कितने बंदे हैं? 416 बंदे हैं। सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम बोलते हैं कि जल्द से जल्द वो 416 बंदों को छुड़ा के उसके वतन पहुंचा दे। जल्द से जल्द कौंसलेट उसका हो जाए तो वो जल्द से जल्द छूट सकते हैं। अभी उस किसी का कौंसलेट नहीं हुआ है, सिर्फ कोती हुआ है। 470 बंदे थे, उसमें एक बंदा मर चुका 5 तारीख को। तो आज अपने वतन आके आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत खुशी। आज हम कल 2 दिन में बीबी बच्चों से सबको मिलेंगे, सब परिवार से पुत्र से सबसे मिलेंगे हम, बहुत खुशी में हम। कैसे गया था? समुद्र में। कैसे? समुद्र से। समुद्र? दरिया। समुद्र के रास्ते? समुद्र के रास्ते गया था। मछली पकड़ता? हाँ मछली। बोलना अपने मुंह से बोल रहा। मैं मछली पकड़ रहा था। अच्छा। उधर से ले वाले ने पकड़ ली। ठीक है। कितनी देर है क्या? 10 महीने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।